नमस्कार, मैं विनोद राघव, पंचायत वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ देखिए उत्तर प्रदेश के संभल जनपद से आ रही बड़ी खबर। जनपद संभल की नगर पालिका बबराला में प्लास्टिक से बने उत्पादों को बेचने वाले दुकानदारों पर अधिशासी अधिकारी ने छापा मारकर कई किलो प्लास्टिक व थर्माकोल के उत्पाद बरामद किए हैं। राज्य सरकार के द्वारा पॉलिथीन पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भी ना तो दुकानदार पॉलिथीन को ग्राहकों को देने में कसर छोड़ रहे हैं और न ही ग्राहक पॉलिथीन में सामान लेना छोड़ रहे हैं, जिससे आए दिन नगरों और गांव में पॉलिथीन एक समस्या बनती जा रही है। उसी के मद्देनजर नगर पंचायत बबराला के अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार ने बबराला की बाजार में छापा मारा, जिसमें काफी संख्या में पॉलिथीन को बरामद किया गया। इसके साथ ही कुछ दुकानदारों को नोटिस थमा दिया। इस बात को लेकर बाजार में हड़कंप मच गया तथा कुछ दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद तक कर दिया। अधिशासी अधिकारी द्वारा दुकानदारों तथा ग्राहकों को पॉलिथीन से होने वाली परेशानियों के बारे में अवगत कराया गया। वहीं भविष्य में पॉलिथीन का प्रयोग न करने तथा ग्राहकों को घर से थैला लाने के लिए जोर दिया गया। पंचायत वार्ता के लिए गुन्नौर से दुष्यंत कुमार की रिपोर्ट।